नमस्ते गाइस, और फाइनली टाइम आ गया है यूएफसी 281 फाइट्स का। मेन कार्ड फाइट्स के साथ इस बार 281 के प्रीलिम्स में भी काफी इंटरेस्टिंग फाइट्स हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं यूएफसी 281 के मेन कार्ड प्रेडिक्शंस की। तो जल्दी से सबसे पहले बात करते हैं डैन हुकर वर्सेस क्लाडियो पॉयलेस के बारे में। डैन हुकर का यूएफसी करियर अभी काफी क्रिटिकल सिचुएशन में है। डैन हुकर अपनी लास्ट 5 फाइट्स में सिर्फ एक फाइट जीता है, जिसमें अपनी लास्ट फाइट में उसने 145 पाउंड्स फेदरवेट में जाकर भी देख लिया, जिधर ही गॉट नॉक्ड आउट। तो आई थिंक डैन हुकर के लिए ये फाइट मस्ट विन फाइट हो सकती है, स्पेशली वो जा रहा है अगेंस्ट अनरैंक्ड फाइटर। क्लाडियो पॉयलेस यंग अपकमिंग अनरैंक्ड फाइटर है। क्लाडियो की ग्रैपलिंग काफी अच्छी है अकॉर्डिंग टू हिज एज, और अभी वो सिर्फ 26 ईयर्स ओल्ड है। अगर डैन हुकर ये फाइट अपने फेवर में चाहता है अगेंस्ट यंग अपकमिंग फाइटर, तो उसको ये फाइट टेक्निकल रहकर बॉक्सिंग फाइट बनानी होगी। डैन हुकर के पास इस फाइट में हाइट एंड रीच एडवांटेज भी रहने वाला है, पर आई डोंट थिंक सो वो क्लाडियो पॉयलेस के ग्रैपलिंग और प्रेशर को काउंटर कर पाएगा। इसलिए इस फाइट में मैं फेवर कर रहा यंग फाइटर को। देयरफॉर मेरी प्रेडिक्शन है क्लाडियो पॉयलेस टू विन बाय सबमिशन और बाय टेक्निकल नॉकआउट। अब चलते हैं आज की नेक्स्ट फाइट में, जो है लेजेंड ऑफ द यूएफसी फ्रैंकी एडगर वर्सेस क्रिस गुटियरेस के बीच। इस फाइट को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सभी जानते हैं ये फाइट फ्रैंकी एडगर की लास्ट फाइट है, और इस फाइट के बाद फ्रैंकी एडगर रिटायरमेंट लेने वाला है। आई एम जस्ट हैप्पी कि फ्रैंकी एडगर को मेन कार्ड में एंट्री मिली अपनी रिटायरमेंट फाइट के लिए। पर इसी के साथ आई थिंक यूएफसी को फ्रैंकी एडगर का ओपोनेंट एक लो लेवल या फिर एक ओल्ड फाइटर रखना चाहिए था। क्रिस गुटियरेस फ्रैंकी एडगर से 10 साल छोटा है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं इस फाइट में फ्रैंकी एडगर के नॉकआउट होने के। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन है क्रिस गुटियरेस टू विन बाय नॉकआउट। यूएफसी 281 का मेन मजा तो अब स्टार्ट है। बैंगर ऑफ द फाइट, द डायमंड डस्टिन पोरिये वर्सेस आयरन माइकल चैंडलर। काफी ज्यादा फैंस इस फाइट को पीपल्स मेन इवेंट भी बोल रहे हैं, और क्यों ना बोले, ये फाइट है ही इतनी एक्साइटिंग। ये फाइट 100% गारंटी देती है फायरवर्क्स की, और इन दोनों फाइटर्स के पास पोटेंशियल भी है इस फाइट को फाइट ऑफ द ईयर बनाने की। फाइट की बात की जाए तो डस्टिन पोरिये लाइटवेट डिवीजन के टॉप 5 फाइटर्स में से वन ऑफ द बेस्ट स्टैंड अप फाइटर होगा। डस्टिन पोरिये की बॉक्सिंग इज अनमैच्ड। ऑल्सो डस्टिन पोरिये एक मोमेंटम बेस्ड फाइटर है, और वो स्ट्राइव करता है इस मोमेंटम में। अगर ओपोनेंट डस्टिन पोरिये को जल्दी फिनिश नहीं कर पाया, तो लेटर राउंड्स में डस्टिन पोरिये से जीतना काफी मुश्किल वाला काम है। डस्टिन पोरिये के काउंटर पंचेस और काउंटर लेग किक्स भी काफी इंप्रेसिव हैं। इसका ब्यूटीफुल एग्जांपल डस्टिन पोरिये ने कॉनर मैकग्रेगर की सेकंड फाइट में दिया था। अगर डस्टिन पोरिये को फाइट करते टाइम ओपोनेंट की वीकनेस का पता चल गया, तो नो मैटर व्हाट डस्टिन पोरिये लगातार उस वीक एरिया को टारगेट करता रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें माइकल चैंडलर की, तो माइकल चैंडलर इस लाइटवेट डिवीजन में मोस्ट पावरफुल फाइटर होगा। माइकल चैंडलर के पास प्योर स्ट्रेंथ है, जिससे वो अपना पंच अगर क्लीन लैंड करता है किसी भी ओपोनेंट पे, तो ये ऑलमोस्ट गारंटी है कि वो ओपोनेंट नॉकआउट होने वाला है। माइकल चैंडलर हमेशा अपना राइट स्ट्रेट या राइट ओवरहैंड पंच फुल पावर के साथ थ्रो करता है, जो एक अच्छी बात तो है, पर इसके साथ साथ ऐसे पावरफुल पंचेस थ्रो करके माइकल चैंडलर अपना स्टेमिना और गैस टैंक बहुत जल्दी खत्म कर देता है। अगर माइकल चैंडलर ने ऐसे पावरफुल और एक्सप्लोसिव पंचेस डस्टिन पोरिये पे थ्रो किए, तो आई थिंक चैंडलर की ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि डस्टिन पोरिये के अगेंस्ट माइकल चैंडलर का स्टेमिना रहना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ड्यू टू बॉक्सिंग डस्टिन पोरिये का अपर बॉडी डिफेंस काफी अच्छा है, तो अगर माइकल चैंडलर मिस कर जाता है अपने हैवी पंचेस को, या फिर डस्टिन पोरिये गुड डिफेंस के साथ उनको ब्लॉक कर देता है, तो माइकल चैंडलर का उस सिचुएशन से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। आई थिंक क्लोज स्पेस में डस्टिन पोरिये ज्यादा हार्म कर सकता है माइकल चैंडलर को। माइकल चैंडलर यूजुअली डिस्टेंस मेंटेन रखता है, और ओपनिंग आने में गैप को बहुत जल्दी क्लोज कर देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डस्टिन पोरिये ने माइकल चैंडलर के इस प्लस पॉइंट के बारे में बात की थी, तो इस फाइट में भी माइकल चैंडलर को यही करना चाहिए, ना कि डिस्टेंस क्लोज करके पॉकेट फाइट करना। वैसे तो अगर माइकल चैंडलर को ये फाइट जीतनी है, तो उसको रेसलिंग करनी चाहिए, स्पेशली फर्स्ट राउंड अर्ली इन द फाइट में। माइकल चैंडलर ऑल अमेरिकन डिविजन 1 रेसलर रह चुका है, और गिवन चैंडलर की स्ट्रेंथ,
देर इज नो वे डस्टिन पोरिये उन टेकडाउन्स को डिफेंड कर सकता है, पर ये सिर्फ अर्ली इन द राउंड्स की बात हो रही है, क्योंकि सेकंड राउंड के लेटर पार्ट में और थर्ड राउंड में ये सिचुएशन अलग पड़ जाती है। इस फाइट में ऑलमोस्ट चांसेस है माइकल चैंडलर के गैस आउट करने के आफ्टर सेकंड राउंड, और फिर लेटर राउंड्स में माइकल चैंडलर ने अगर टेकडाउन्स की ट्राई की तो डस्टिन पोरिये उन टेकडाउन्स को डिफेंड कर सकता है, क्योंकि डस्टिन पोरिये का गैस टैंक 100% ज्यादा रहेगा माइकल चैंडलर से। अगर माइकल चैंडलर स्मार्ट रहकर रेसलिंग को यूज करता है फर्स्ट राउंड में, तो वो अपने स्टेमिना और गैस टैंक को बचा सकता है लेटर राउंड्स के लिए। बट वी ऑल नो अबाउट माइकल चैंडलर, जब से यूएफसी में माइकल चैंडलर आया है वो सिर्फ फैंस को एंटरटेन करने में लगा है, और सेम अगर उसने इस फाइट में किया डस्टिन पोरिये के अगेंस्ट तो ये चीज उसको काफी भारी पड़ेगी। डस्टिन पोरिये की इस फाइट में एक बात तो गारंटी है, ही विल नॉट स्लो डाउन। डस्टिन पोरिये ऑलरेडी मल्टीपल वॉर्स कर चुका है अगेंस्ट एडी एल्वरेज, जस्टिन गेची एंड डैन होकर। मोस्ट ऑफ द टाइम डस्टिन पोरिये काफी स्मार्ट वे से फाइट करता है, जिसकी वजह से उसको पता रहता है अपने गैस टैंक के बारे में, तो आई डोंट थिंक सो डस्टिन पोरिये इस फाइट में गैस आउट होने वाला है। डस्टिन पोरिये के बॉक्सिंग कॉम्बिनेशंस लेटर राउंड्स में ओवरपावर कर सकते हैं माइकल चैंडलर के सिंगल हैवी पंच को। ऑल्सो डस्टिन पोरिये का प्रेशर, अगर डस्टिन पोरिये ने जैसे मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट प्रेशर यूज किया था, वैसे ही अगर माइकल चैंडलर के अगेंस्ट भी प्रेशर करने में सक्सेसफुल हुआ तो माइकल चैंडलर और ज्यादा जल्दी गैस आउट हो जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड मूव करने में काफी ज्यादा स्टेमिना वेस्ट होता है। बट डस्टिन पोरिये को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए माइकल चैंडलर की पावर को, क्योंकि एट एनी गिवन टाइम फर्स्ट राउंड हो या फिर थर्ड राउंड, अगर माइकल चैंडलर ने अपना हैवी पंच कनेक्ट कर दिया तो डस्टिन पोरिये कैन गेट नॉक्ड आउट। तो सब कुछ कंक्लूड करने के बाद मेरी प्रेडिक्शन है डस्टिन पोरिये टू विन बाय टेक्निकल नॉकआउट। एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे माइकल चैंडलर की दिख रही है गैस टैंक के अलावा वो है उसकी चिन। अगर टोनी फर्गसन जो अब आउट ऑफ प्राइम और एक ओल्ड फाइटर है उसके पंचेस से अगर माइकल चैंडलर नॉक डाउन हो सकता है तो डस्टिन पोरिये के अगेंस्ट वैसी चिन के साथ सर्वाइव करना काफी मुश्किल वाला काम है। आई थिंक अगर इस फाइट को माइकल चैंडलर जीतना चाहता है तो उसे रेसलिंग यूज करके फैंस की केयर नहीं करनी चाहिए। ऑल्सो एक चीज जो माइकल चैंडलर को फेवर कर रही इस फाइट में वो है कि ये फाइट 3 राउंड्स की है, तो देखते हैं फाइट में क्या होता है, पर एक बात की गारंटी है ये फाइट काफी एंटरटेनिंग फाइट रहने वाली है। और अब बात करते हैं यूएफसी 281 की को मेन इवेंट फाइट के बारे में। स्ट्रॉवेट चैंपियन कार्ला एस्पार्जा अपना टाइटल डिफेंड करेगी अगेंस्ट योंग वेली। कार्ला एस्पार्जा को बहुत कुछ है इस फाइट में प्रूव करने के लिए। एस्पार्जा की लास्ट फाइट अगेंस्ट रोज नामायुनेस देखकर आई डोंट थिंक सो कोई भी उसको सपोर्ट करने वाला है। स्ट्रॉवेट डिविजन की जब हम बात करते हैं तो कार्ला एस्पार्जा एक हाई लेवल रेसलर है, पर एस्पार्जा का स्टैंड अप इस फाइट में उसको डेंजर में ला सकता। योंग वेली एक अमेजिंग स्टैंड अप फाइटर है, बॉक्सिंग हो या फिर उसकी किक्स, योंग वेली की स्पीड इज इनसेन। ऑल्सो वेली का 1-2 पंच और किक कॉम्बिनेशन इस स्ट्रॉवेट डिविजन में सबसे बेस्ट है। काफी ज्यादा फैंस का ये मानना है कि कार्ला एस्पार्जा योंग वेली की स्पीड को मैच ही नहीं कर पाएगी, और अल्टीमेटली इस फाइट में योंग वेली कार्ला एस्पार्जा को डिस्ट्रॉय करने वाली है। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ऐसा लगता है कि कार्ला एस्पार्जा योंग वेली की स्पीड का मैच नहीं कर पाएगी। बट एक चीज जो कार्ला एस्पार्जा को इस फाइट में जिता सकती है वो है उसकी रेसलिंग। अगर कार्ला एस्पार्जा मैनेज कर लेती है योंग वेली को अर्ली टेक डाउन करके ग्राउंड में लेके जाने में तो इस फाइट में कुछ भी हो सकता है, पर योंग वेली की पावर की वजह से कार्ला एस्पार्जा को उसको ग्राउंड में लेके जाना बहुत मुश्किल रहने वाला है। पर अगर एस्पार्जा ऐसा कर लेती है तो वो इस फाइट को बोरिंग बना के भी जीत सकती है, जस्ट लाइक एल्जमिन स्टर्लिंग जीता था अगेंस्ट पीटर यान। देयरफॉर मेरी प्रेडिक्शन इस फाइट में है योंग वेली टू विन बाय सबमिशन और नॉकआउट। मेरे अकॉर्डिंग योंग वेली की स्पीड एंड पावर काफी ज्यादा रहेगी कार्ला एस्पार्जा के लिए टू हैंडल। और अब इसी के साथ चलते हैं यूएफसी 281 की मेन इवेंट फाइट में। ये मेन इवेंट फाइट होने जा रही है बिटवीन अनडिफीटेड मिडलवेट चैंपियन द लास्ट स्टाइल बेंडर इजराइल अदेसानिया वर्सेस एलेक्स द स्टोन हैंड पोआतान परेरा। इस फाइट के लिए एलेक्स परेरा ने अपनी ट्रू फॉर्म ले ली है, और फेस ऑफ के टाइम आप इस फॉर्म को देख सकते हो। फाइट से पहले एलेक्स परेरा ने इजराइल अदेसानिया को बहुत ज्यादा ट्रोल किया है, और अदेसानिया के नॉकआउट पर काफी ज्यादा मीम्स बनाए हैं।
दूसरी तरफ सरप्राइजिंगली इसराइल अदेसान्या इस पूरी प्रोसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम चुप बैठा था। अदेसान्या का ऐसा बिहेवियर बहुत रेयर देखने को मिलता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसराइल अदेसान्या अपने ओपोनेंट्स को ट्रोल करता है। ये अदेसान्या का कॉन्फिडेंस है या फिर नर्वसनेस, ये तो अदेसान्या ही जानता है, पर एलेक्स परेरा की तरफ से आप उसके फेस पर देख सकते हो ही इज कॉन्फिडेंट। अदेसान्या को दो बार हराना जिसमें एक बार नॉकआउट करना डेफिनेटली एलेक्स परेरा का कॉन्फिडेंस बूस्ट करता होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसराइल अदेसान्या का अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट हाइट एंड रीच एडवांटेज रहता है, पर अगेंस्ट एलेक्स परेरा ये सारे एडवांटेजेस निल होने वाले हैं क्योंकि एलेक्स परेरा की हाइट एंड रीच एडवांटेज ऑलमोस्ट सिमिलर है इसराइल अदेसान्या के। दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ किक बॉक्सिंग में दो फाइट्स कर चुके हैं और वो दोनों ही फाइट्स एलेक्स परेरा जीता था, पर इसराइल अदेसान्या ने इस चीज को लेकर बहुत बार बोला है कि लोग सिर्फ उन दोनों फाइट्स का रिजल्ट देख रहे और किसी ने भी वो दोनों फुल फाइट्स नहीं देखी हैं, क्योंकि अगर वो देखते तब उनको पता चलता वो दोनों ही फाइट्स कितनी ज्यादा क्लोज थी। तो मैंने इसराइल अदेसान्या और एलेक्स परेरा की किक बॉक्सिंग की दोनों फाइट्स देखी और मेरी ओपिनियन में इसराइल अदेसान्या इज राइट। इन दोनों फाइट्स का अगर हम सिर्फ रिजल्ट देखेंगे तो इसराइल अदेसान्या अपनी फर्स्ट फाइट डिसीजन से हारा और अपनी सेकंड फाइट में बुरी तरह से नॉकआउट होकर हारा, पर अगर हम फुल फाइट देखें तो फर्स्ट फाइट काफी ज्यादा क्लोज थी। और इसके साथ मैंने कुछ यूएफसी के फाइटर्स की वीडियोस भी देखी जो ये बोलते हैं कि वो फाइट इसराइल अदेसान्या को जीतनी चाहिए थी, पर रिगार्डलेस ऑफ दैट फर्स्ट फाइट इसराइल अदेसान्या वर्सेस एलेक्स परेरा की बहुत ज्यादा क्लोज थी। अब सेकंड फाइट में सबको पता है इसराइल अदेसान्या बुरी तरह से नॉकआउट हुआ था। ये नॉकआउट इतना ब्रूटल था कि इसराइल अदेसान्या को ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ गई, पर वो फाइट भी अगर हम पूरी देखें तो इसराइल अदेसान्या बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था एलेक्स परेरा को नॉकआउट करने में। सेकंड फाइट में इसराइल अदेसान्या ने ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था एलेक्स परेरा को, बट ड्यू टू किकबॉक्सिंग रूल्स एलेक्स परेरा को स्टैंडिंग 8 काउंट मिला। तो जी हां, मैं इसराइल अदेसान्या की इस बात को मानता हूं कि दोनों ही फाइट्स काफी ज्यादा क्लोज थी, पर स्टिल इन दोनों फाइट्स के बाद इसराइल अदेसान्या की जो मेन प्रॉब्लम रही है वो है कि उसने दोनों ही फाइट स्टाइल के साथ एलेक्स परेरा से फाइट करके देख लिया, पर स्टिल उसको दोनों ही फाइट्स में हार मिली। फर्स्ट फाइट में अगर आप देखोगे तो इसराइल अदेसान्या ने सुपर टेक्निकल वाली अप्रोच अपनाई थी और सेकंड फाइट में इसराइल अदेसान्या सुपर अग्रेसिव रहकर फाइट कर रहा था, पर दोनों ही फाइट्स में एलेक्स परेरा वॉन। और अब इस थर्ड फाइट में ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसराइल अदेसान्या कौन सी अप्रोच अपनाता है। एलेक्स परेरा का मेन वेपन है उसका डेथ पंच। इसराइल अदेसान्या को एलेक्स परेरा के इस डेथ पंच से बचकर रहना होगा। एलेक्स परेरा ने अपने पूरे करियर में काफी ज्यादा फाइटर्स को इंक्लूडिंग अदेसान्या उन सबको नॉकआउट किया है। एलेक्स परेरा का ये लेफ्ट हुक डेथ पंच ऑलमोस्ट मैजिकल है क्योंकि जिसको भी ये लेफ्ट हुक पड़ा है वो नॉकआउट हुआ है। इस फाइट को देखा जा रहा है स्पीड वर्सेस पावर के तौर पर। क्लियरली स्पीड एडवांटेज इसराइल अदेसान्या के पास रहने वाली है। दूसरी तरफ क्लियर पावर की एडवांटेज एलेक्स परेरा के पास है। एलेक्स परेरा का एक लेफ्ट हुक और ये फाइट इंस्टेंट सेकंड्स में खत्म हो सकती है। अदेसान्या ने इस फाइट से पहले हिंट दिए हैं कि वो इस फाइट में रेसलिंग यूज करेगा, पर आई डोंट थिंक सो इसराइल अदेसान्या इस फाइट में इतना बड़ा रिस्क लेने वाला है। एलेक्स परेरा ने ऑलरेडी अपनी नी से काफी ज्यादा फाइटर्स को नॉकआउट किया है और अदेसान्या इज अ स्मार्ट फाइटर। आई डोंट थिंक सो अदेसान्या एलेक्स परेरा के अगेंस्ट लेवल चेंज करने का रिस्क लेगा। डेफिनेटली एलेक्स परेरा इस फाइट में नॉकआउट की तलाश करेगा और आई थिंक इसराइल अदेसान्या टच एंड मूव वाली स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहेगा। देयरफॉर इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है इसराइल अदेसान्या टू विन बाय डिसीजन। आई नो काफी ज्यादा फाइट फैंस एलेक्स परेरा को फेवर कर रहे टू विन दिस फाइट, पर मेरी ओपिनियन में इसराइल अदेसान्या विल विन। अदेसान्या के पास 6 टाइम्स मोर एक्सपीरियंस है ऑक्टेगन का एज कंपेयर टू एलेक्स परेरा। ऑल्सो अदेसान्या इस मिडलवेट डिवीजन में अनडिफीटेड है। मेरे अकॉर्डिंग अदेसान्या केज का काफी ढंग से यूज करेगा और एलेक्स परेरा के हैवी पंचेस से केयरफुल रहेगा, बट स्टिल ये फाइट काफी ज्यादा क्लोज है। एट एनी गिवन टाइम एलेक्स परेरा इसराइल अदेसान्या को नॉकआउट कर सकता है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस पूरे कार्ड को लेकर? ऑल्सो अकॉर्डिंग टू यू गाइज कौन कौन से फाइटर्स जीतेंगे, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।